बिग बॉस सीजन 16 के पहले हफ्ते से ही निमृत और प्रियंका के बीच एक राइवलरी देखने को मिली। इसी मौके पर जस्ट शोबिज ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड हरनीत से। देखिए पूरा वीडियो। I think it's going great. I think it's coming out nicely now, and I hope it gets better from this. Because वो काफी fair खेल रही हैं और काफी अच्छा लग रहा है लोगों को. Okay. जी, तो काफी अच्छा है अभी तक गेम, and I hope इससे आगे ही जाए, अच्छा ही जाए. So, and what do you feel about her relationship with Ankit? Really nice. It's good to see that there is someone in the show who have some kind of bond, which is very loyal, which is very true, which is very real, and it's not because of the show. Basically, सिर्फ शो के लिए नहीं है वो, उससे पहले से है, उसके बाद भी रहेगा. What do you feel about Nimrit? I think I had high expectations from her. And I think everybody had high expectations from her, but वो कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है जो वो कर रही है शो में. And specifically what she is after Priyanka and Ankit both. And basically Priyanka, उनको पता नहीं Priyanka से क्या ही problem है कि वो लगी हुई है उनको डिफेम करने में, बोले ही जा रही हैं उनके बारे में, हालांकि वो मिली उनसे सिर्फ दो बार है. Okay. तो आई डोंट थिंक कि आप दो बार में किसी को इतना जान जाते हो कि आप उनके बारे में ये इतना कुछ ही बोलते रहो. तो वो मुझे कहीं ना कहीं खटकता है. जी, और मुझे लगता है कि वो फुटेज के लिए कर रही हैं. तो या आल्सो डू यू थिंक शी इज काइंड ऑफ इनसिक्योर? एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक, कि वो फुटेज के लिए कर रही हैं. वो उनकी इनसिक्योरिटीज हैं कि उन्हें प्रियंका से लड़ाई करने पे मजबूर करती है कहीं ना कहीं. वो काफी विजिबली दिखता है कि उनको कुछ तो प्रॉब्लम है ऐसे, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे प्रियंका हैज नेवर अटैक्ड हर, प्रियंका हैज नेवर सेड एनीथिंग. तो मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका ने अभी तक भी निमृत के बारे में कुछ पर्सनल बोला है. Okay. या कोई कमेंट पास किया है, बट वो कहीं और वो बोलती हैं कि ये पर्सनल जाती हैं, ये पर्सनल जाती हैं, निमृत ऐसे बोलती हैं. बट ऑडियंस पागल नहीं है, हमें नहीं दिखता है वो, और आप ही हैं जो बोलती रहती हैं उनके बारे में. तो वो कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटी है जो नजर आती है सामने. एंड आई थिंक ऑल्सो प्रियंका is also very fair. She tries to help everybody also as well. Yes. She is very, that's what I'm saying. She plays very fair. उन्होंने जब रूम भी शफल किए तो उन्होंने, हालांकि उनकी शालिन से बन her friend or an acquaintance or anything, but उन्होंने मद्देनजर रखा कि यार उनका चिकन वहां पे है. Okay. तो उन्होंने उनका रूम नहीं शफल किया. Okay. उन्होंने सौंदर्या का वेगन फूड जो रूम में था उधर उनसे नहीं शफल किया, और उन्होंने एक रीजन दिया था कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे तो उनको ये पता लगे कि मैं इतनी बुरी लड़की भी नहीं हूँ जितना वो मेरे बारे में सोचते हैं. करेक्ट है, क्योंकि ये लोग तो बोल देते हैं सबके सबकी, वो अंकित को बात नहीं करने देती है, वो खुद भी कहाँ बात करने आती है. बट मैंने इनकी तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं देखा है कि वो लोग जाके उनसे बात करें. ना ये लोग खुद आगे से बढ़ते हैं बात करने के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे आके बात करेंगे? आप भी तो नहीं जाते हो ना. आई थिंक लास्ट नाइट सौंदर्या बिकेम टू पर्सनल व्हेन शी कमेंटेड ऑन प्रियंका. आई थिंक सलमान सर मतलब शुड हैव टोल्ड देम कि वो कॉन्वर्सेशन में कौन कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि जो उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट थे वो भी इक्वली के साथ अग्री कर रहे थे. जो सौंदर्या ने बोला, विच इज वेरी पर्सनल, एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज बीन सेड बाय समवन अबाउट प्रियंका. वो डे वन से उनके बारे में पर्सनल कमेंट करे ही जा रहे हैं. एंड आई एम ग्लैड कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही बट बाहर जरूर आया. और ये काफी गंदी स्टेटमेंट थी देनी कि अंकित, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रियंका, इट्स अबाउट अंकित मदर एज वेल. और आप फिर बात करती हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया है, मेरे एथिक्स नहीं है, मेरा इंटेलेक्ट नहीं है कि मैं इनके लेवल पे गिरूँ, मैं डॉक्टर हूँ. आपका लेवल यहीं से पता लगता है. रो रही थी वो उस दिन बैठ के कि यार मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे. इनको ये बोलते नहीं रियलाइज हुआ कि मेरे उनके मम्मी पापा देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि आप किसी और की बेटी के बारे में क्या बोल रही हैं. तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे काफी खटकी थी, मुझे काफी बुरा लगा था कि
आप होती कौन है बोलने वाली, आप कितना ही जानती हैं उन दोनों को जो आप ऐसे बोल रहे हैं, आप जानती हैं अंकित की मम्मी को, नहीं ना, करेक्ट, तो आप कौन होती है बोलने वाली? बट एक्चुअली इज देयर समथिंग ब्रूइंग बिटवीन प्रियंका एंड अंकित, दैट्स एवरीबॉडी के माइंड में क्वेश्चन है, कुछ है या नहीं है? See, I, from what I know, I spent more than 1.5 years with them. Okay. And all I know is it's pure friendship. Okay. They care for each other a lot. Okay. और अगर कुछ कल को होता है तो वो बिग बॉस के घर के अंदर हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, you never know. Okay. From what I know, it's pure friendship. वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. They're best of friends and that's how I see it as well. कि मुझे उनकी दोस्ती बहुत पसंद है. या ऐसी दोस्ती लाइफ में बहुत कम मिलती है. एंड अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स लाइक अपार्ट फ्रॉम निमृत एंड सौंदर्या, हु एल्स डू यू थिंक इज बीइंग अनफेयर टू प्रियंका? टीना. ओके. या कैन टॉक अ बिट अबाउट इट प्लीज, कि व्हाट यू फील अबाउट टीना? टीना ने स्टार्टिंग के डेज में ही प्रियंका को जज करना चालू कर दिया था. देयर वाज अ टास्क बिटवीन अब्दू एंड एमसी स्टैन. तो वो जब साइन करने जा रही थी तो टीना पीछे से बोलती है कि वो शायद स्टैन को करेगी. okay. और अगर वो स्टैन को करेगी तो हम सब अब्दू को करेंगे, कि बिल्कुल okay. उसके ऑपोजिट चलेंगे. एंड मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, यार आपने तो बात तक नहीं करी है प्रियंका से, आप कैसे उसके इतने खिलाफ हो सकते हो? आपने तो कोशिश ही नहीं करी ना उसको जानने की, कि वो कौन है, कहाँ से आई है. आपने बस जस्ट बिकॉज किसी ने उसके बारे में बोला आप मान गए. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज बहुत खटकी थी कि आपने ऐसे किया. और वो और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जब उनके ग्रुप के बीच में खुद ही लड़ाई होने लग गई तो सपोर्ट नहीं करूंगी, तो मैं जाऊंगी, मैं प्रियंका को सपोर्ट करूंगी. तो वो कहीं ना कहीं अनफेयर है, वो जिधर उनको दिखता है उनका फायदा है वो उधर हो जाती है. तो वो चीज मुझे काफी बुरी लगी थी कि यार आप तो जानते भी नहीं है और आप उनके खिलाफ ऐसे खड़े हो गए. तो वो चीज जरूर है मेरे मन में. एंड अपार्ट फ्रॉम अंकित, हु एल्स डू यू थिंक इज स्टैंडिंग अप फॉर प्रियंका? आई थिंक इट्स शिव. ओके. I really like their bond and मुझे अच्छा लगता है उनका bond कहीं ना कहीं. काफी healthy competition है उनके बीच में. okay. और एक दोस्ती भी है कहीं ना कहीं. तो वो मुझे दिखती है. दूसरा उनके लिए खड़ा होने के लिए I think अर्चना कहीं ना कहीं मुझे काफी अच्छी दोस्त लगती है प्रियंका की. और वो काफी रियल है, वो काफी मुफ्त है. वो मुंह पे बोलते हैं यार मैं तो गेम खेलने आई हूँ, कल को मुझे अपने दोस्त को भी वोट आउट करना पड़े तो मैं नॉमिनेट करके उसे भी निकाल दूंगी क्योंकि मैं अपने लिए खेल रही हूँ, बट ये नहीं है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. ओके. तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि वो खड़ी होती है सही के लिए. तो वो है. एंड यू थिंक ये टीवी वर्सेस नॉन टीवी ग्रुप बन रहा है बिग बॉस, लोग कह रहे हैं? ऐसा होता तो सर टीवी ग्रुप में तो फिर अंकित और प्रियंका को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए उन्हें. करेक्ट. तो वो भी टीवी वाले. एग्जैक्टली. बट जी जरूर एक ग्रुप बनता हुआ जरूर दिख रहा है. और वो पोपे अच्छा क्योंकि लग रहा है कि वो लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को. एंड जो कि काफी गलत है, जो कि बिग बॉस ने खुद उसकी निंदा करी है कि मेरे घर में हर जगह से लोग आते हैं, हर सोसाइटी से, हर लेवल ऑफ कास्ट से लोग आते हैं, तो आप कौन होते हैं लोगों के बारे में उल्टा बोलने वाले, आप एक समान हैं. करेक्ट. जी. तो वो चीज काफी नॉन कॉल्ड फॉर है कि मतलब अनकॉल्ड फॉर है कि आप क्यों ही बातें कर रहे हैं, सब एक समान है, सब कंटेस्टेंट है वहाँ पर. Yeah. And do you think Priyanka and Ankit have it in them to go the whole hog, to go on to win? What do you think? Sorry. Yeah, absolutely. I think both of them. I think Priyanka has a lot of winner qualities and I think that will take her ahead in the show. Okay. वो एक potential winner लगती है मुझे. Okay. उनमें काफी qualities हैं, leadership qualities हैं, वो fair हैं काफी सबको लेके, चाहे उनकी किसी से बनती हो नहीं बनती हो. वो एक fair game खेलना पसंद करती हैं और वो वैसी ही हैं real life में. Okay. तो मुझे नहीं लगता कि उन
उनके पास पोटेंशियल नहीं है, वो बहुत अच्छा खेल रही है, वो आगे भी अच्छा खेलेंगी जिसका मुझे भरोसा है. तो आई होप शी विंस. और अंकित भाई ऑल्सो आई थिंक उनमें भी कहीं ना कहीं वो जो उनकी वो पेशेंस है, वो जो स्वभाव है उनका, वो भी कहीं ना कहीं आज तक देखने को मिला नहीं है बिग बॉस में. तो आई थिंक पीपल लाइक इट. तो कहीं ना कहीं वो भी विनर हो सकते हैं. वो अभी आई सी द पोटेंशियल ऑफ फाइनलिस्ट इन हिम एज वेल. तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि वो काफी अच्छा खेल रहे हैं. वो भी सोच समझ के इधर उधर ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो शांत बैठे जरूर हैं, बट वो उनका दिमाग बहुत चलता है. तो वो भी पोटेंशियल है उनमें भी. या एंड एंड सो द बिगेस्ट कंपटीशन टू देम वुड बी biggest competition to them. I mean, if I have to talk about top 3 or top 5, yep. I see Shiv. Okay. Shiv is a very good competitor, very good. मतलब उसके अंदर काफी qualities हैं and वो already एक big boss का season जीत के आया है regional. तो वो कहीं ना कहीं मुझे काफी अच्छा दिखता है. और उनके opposite और भी हो सकते हैं. I think Nimrit could be a potential finalist or Gautam. So first, can I get some information about you, ki how you and Priyanka are close, yeah, something about you, please. I have done the same show as her, Udaria, as okay. her co-actor. Okay. And that's how we became friends and we're best friends now. Okay. So, wo meri bahut achhi dost hai and हमारा बॉन्ड वहीं से शुरू हुआ था और अभी भी है. एंड आई थिंक वो एक लाइफ टाइम, आई मेड अ लाइफ टाइम फ्रेंड विद हर. एंड जी, तो काफी काफी उनके जाने से पहले भी आई वाज देयर विद हर टू हेल्प हर आउट विद एवरीथिंग, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस से अंदर गई हैं वो. ओके. तो जी, तो आई वाज द वन हू हेल्प्ड हर आउट. तो मेरा बॉन्ड काफी अच्छा है उनके साथ. बिग बॉस सीजन 16 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शो बिज को सब्सक्राइब करें.